ट्रैक्टर इन्हों का किमें लाड़ गया तरपाल पा के, जिमें आप फसल तो बाद साम देने ना, इन्होंने भी साम तो एक तरह ना ट्रैक्टर ही, ये कहते हम मार्च क्ढा इन मार्च तक ये ट्रैक्टर इतें ही खड़ा रहूगा। बहुत दिन का यह ब्लॉग का तहू नहीं, मैं भी इंतजार सेगा कि कदों मैं कश्मीर के पिंड जावा, कदों इन्हों की लाइफ दिखाव कि यह विंटर किमें सरवाइव करते हैं। तीन फुट बर्फ चढ़ी हुई है, ताइयों कश्मीर च लोगों का जोड़ा घर पाने का स्टाइल है वह दूजा है, एवें दत्तों से नहीं पाते है ना। तो इतने माइनस टैंपरेचर रहा पिंड पूरा, तो स्नोफॉल हुई कहें भी हफ्ते तो उपर हो गया, तो भी तुम ये देखो भी बर्फ उवी जमी हुई है, ये मतलब टिकी हुई है, ये इतों हटती नहीं तीन चार महीने हूँ, तो संगा की होर जमा हुई जानी है हौली हौली। जी आ चीज़ सी ना ये मैं फिल्मों ही देखी सी भी बर्फ होवे बर्फ के कोल दियां थलों दी पानी लंघदा, तो हुण आप अखी देख रहे हैं सारा कुछ, एक कश्मीर की जन्नत चा के देखा जा सकता, कमाल है यार सच्ची। जिन्ना सोच के आया से ना भी आह करांगे क्योंकि जो आप कितने भी निकलते अपने मन च प्लैन होंगे भी आह चीज़ा देखांगे वो सारिया देखने को मिली इतने आगे, बहुत सोहना लग्या कश्मीर का पिंड भी तो कश्मीर भी तो आला दुआला भी। मैं कहना पुछो ना यार सर्दियां जे वरतते हो पानी नू भी खुशी है ना, ये तो धुप्प देखो यार मठी मठी तो मिनी मिनी जी धुप्प निकलती हैगी सर्दियों के दिन च, पूरी तिखी धुप्प नहीं आती हैगी। जिमें ना आंदा गा लिखिया गुरबाणी च, अखी देखना रजियां बहु रंग तमाशे, तो बस ये अखी देख के रजन वाला काम नहीं है, तो दूर दूर तक जिते तक निगाह जाती उत्थे ऐ लगता भी आ भी देख लीए यार, उत्थे जे भी जाइए उत्थे जे भी जाइए वह भी देख लिए है ना। यही दुनिया बंदा देख देख रजदा भी नहीं, सारी उम्र लंघ जाती है बंदे की है ना, तो अपने चैनल पर भी थोड़ा बहुत कुछ यह जी चीज़ा सारी उम्र ही देखने मिलती रहनगियाँ, जिन्ना टाइम शौक दिल का जागता है तो दिखाते रहेंगे, जिन्ना टाइम पॉसीबल आ नैन प्राण तुरते हैं साढ़े देख के खुशी। ये है भाई कश्मीर के न्याणे, हैलो जी कैसे हो, क्या नाम है आपका? अच्छा कितने सोने न्याणे यार, कौन स्कूल जाते हो? हाँ। अभी तो बंद हो गए स्कूल? पता नहीं है, हम तो जाते हैं ट्यूशन। अच्छा ट्यूशन, स्कूल नहीं जाते, स्कूल लगता है अभी या नहीं? नहीं। कब से बंद हुआ, कितने महीने हो गए? पता नहीं। अभी अच्छा अभी स्कूल कब लगेगा दोबारा? मार्च में। कब जाना छोड़ा, कब था? दो महीना हो गया। अच्छा 6 महीने स्कूल बंद रहते मुझे लगता है। पढ़ाई अच्छी चल रही है? ठंड कितना है? बहुत है। तो सर्दी में क्या करते हो ज्यादा? हैं कुछ नहीं। ऐसे फ्री रहते हो? ठीक है यार। तो खेलते क्या हो सर्दी में, क्या खेलते हो? सर्दी में तो कुछ नहीं खेलते है। कुछ नहीं खेलते, बस घर में रहते हो हैं? देखो भी न्याणे, ये कौन है? इसका नाम अस्क है। अस्क, अच्छा भाई है आपका? नहीं बहन। अच्छा बहनों हैं दोनों, ठीक है। कुड़ियाँ इनिया सोहनिया यार कश्मीर दियाँ। आपका घर किस साइड है? अच्छा जे वाला। हेलो सलाम, कैसे हो? अच्छे हैं, पंजाब से आए हम तो गांव देखने कश्मीर के, इसलिए हाँ अच्छे हो। और घर परिवार ठीक सब? ठीक सर, ठीक। अच्छा मिलते हैं, बाय बाय। ओके नहीं चाय, थैंक यू, रहने दो, पी के आए हैं पहले, हाँ मेहरबानी। ये देखो भाई अगे पिंड, मैं एक गल तो यार ऐ हैरान हाँ, जिमें अपने डंगर बच्छे खुले रखने पैंदे है तो इन्हां दे यार सारिया सर्दियां कहिंदे आ बंद कमरियां जी, बस जिहड़ा एक कमरा हुंदा उह च ताड़ के रखदे आ, तो यार बीमार बमूर नहीं हुंदे, ये भी वड्डी गल है, सोचण वाली गल है। तुसीं देखो भी किसी बंदे नूं इक जगह ते है ना, जां भावें कोई जानवर है आखर नूं, ते 4-5 महीने इको जगह ताड़ के रखना बहुत औखा हैगा। कैसे हो? ठीक हो? ठीक हूं। हम देखने आए हैं कि सर्दी में कश्मीर के लोग कश्मीर कैसे रहते हैं, कैसे, बहुत अच्छा लगा। कैसे प्यारे लगते हैं कश्मीर लोग, बहुत अच्छे लगते हैं कश्मीर के लोग। ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक। कोई तकलीफ? नो कोई तकलीफ, कोई टेंशन? कोई टेंशन नहीं, प्रॉब्लम? थैंक यू, मेहरबानी। जिवें आपां गर्मियां दे महीने आके देखे सी ना, खुशी तुसी जाओ पहला लेडीज खड़ी हैं, तो जिवें आपां गर्मियां दे महीने जाके देखिया सी ना भी ये लोग सेव करके रखते अपना सारा समान, तो वह किवें करके रखते है। तो हैलो जी कैसे हो, सलाम। ये आपका घर देखना है थोड़ा सा, ये सामने वाले दरख्त है जिन्हें कहें अखरोट दे, इधरले पासे एप्पल दे,
ए नाक है, नाक क्या होता है? नाशपति। अच्छा, तो सर्दी में यहाँ के पानी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पानी जमता नहीं है? नहीं, कोई जमता नहीं है। अच्छा, साफ पानी आता रहता है? नहीं, जैसे ये इतने जैसे पाइप्स में ये बर्फ आ गया, ये कब की? कलान की खाली 10-20 दिन बस। ये कितने कितने कब हटेगा जी? मार्च में कब हटेगा जी? नहीं, ये फरवरी हटेगा। फरवरी में हट जाएगा? हटने वाला ही है। अच्छा, आप नीचे से वो थले से ऊपर से? मैं इतना थले से क्या अंदर एदे च कहंदे डंगर रख दिया है, माल मवाशी, बेड बेड बकरी इसमें रखते हो? ओए बहुत निग्गे तो देखियो। अच्छा, तूड़ी वाले निग्गे ही हुंदे ने। इधर ना तो हीटर लगे हुंदा अंदर। ए ले भाई, ए हो जे माल मवेशी वाले कमरे। सही गल है, निग्गा बहुत है पर स्मेल भी बहुत है यार अंदर, है ना। और जी, सब तकड़े हो? बस शुक्र है मालिक, शुक्र है। देख लो, इन्नी बर्फ च भी यार कहंदे शुक्र है मालिक दा। बहुत वधिया गल है, वधिया गल लगदी इहनां दी मैनूं। नहीं, चाय नहीं पीना, पूरा गांव देखना है अभी हमको। हाँ? नहीं नहीं, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, ते ये पिंड दी ना गलियां है सारिया, इन्नी इन्नी बर्फ रहिंदी है पिंड दी गलियां च। ये फिर साफ कैसे करते हो? जो है चल चल के अपने आप साफ हो जाती हैं ये गलियां हैं? अच्छा, बेल से करते हो? अच्छा, बेल। आपके फिर जो जानवर मैंने देखा था, जो मुर्गे वगैरह होते हैं, वो जो मुर्गे मुर्गियां थे गर्मी में मैंने देखा, तो वो कहाँ होते हैं अभी? वो गुजर लोग के पास है। अच्छा, वो आप नहीं रखते? अच्छा, आप नहीं रखते हैं, ठीक है। ये आपका मकान है? ठीक है भाई, होने दे, घर भी चल दे। यहाँ मैक्सिमम कितना बर्फ पड़ जाता है, कितने फीट? कम से कम 3 फुट है, कम से 3 फुट 4 फुट पड़ते हैं। 4 फुट सबसे ज्यादा कंध गड्डी हुई है जितना? हाँ, जितना ये 3 दिन से पहले नीचे उतर गया है। ये 3 दिन से पहले नीचे उतर गया। अच्छा, इससे वैसे इससे भी ज्यादा होता है? इससे ज्यादा होता है, जब दूर पड़ जाता ना। हाँ, अच्छा, ये कहाँ से, ये घास है अभी कहाँ से लाए हैं ये सर्दी में? अच्छा, ये भाई घा देखो, पता नहीं कितों लाए हैं, इतना सर्दियों का घा ही नहीं होता। कैसे हो जी, ठीक हो? कोठे ते बैठे। ये इन्हां दी दुकानां आ गईयां, खाण पीण दा जनरल स्टोर, जिहड़ा समान लैणा हुंदा हैगा वो इत्थों मिलदा है। इहो जिहियां दुकानां हैगियां, ते स्कूल वगैरह इन्हां दे बंद रहिंदे आ, जवाक भी न्याणे क्रिकेट खेडदे आ, मतलब वादू गोले मारन खेडदे इक दूजिया दे, ते इन्हां दिनां च सारा कुछ बंद हो जांदा है। तां ही करके जिहड़े ज़्यादा कश्मीर दे लोग है ना, अपने आ जांदे आ इन्हां दिनां च, मतलब पंजाब च आ जांदे आ, शॉल वेचण दा कम करदे आ जां होर, है ना। इन्हां नूं इदां हुंदा वी जिन्ना कु गुजारा हुंदा उन्ना कु वधिया हैगा। ते बाकी यार, आपां कई वारी इन्हां नूं मोड़ दिंदे आ विचारिआं नूं, कश्मीरीआं नूं, है ना, जां बुरा भला बोलदे आ। तुसीं देखो यार, इन्नी हार्ड लाइफ है, इत्थों निकल के आउंदे आ, औखा भी है। तो मैं तो हमेशा ही सत्कार दिना आपके घर जो आते हैं, मैं तो तहूँ भी कहना है ना सारे, तो इन्हों प्यार सत्कार दिया करो यार। तो आ देखो, आ भी डंगर वाला, इन्ह ने डंगर वाला ए रख दिया। अच्छा, मैंने ना एक पराली नहीं दिखी, जिमें कोठियाँ चाह रख रखी है, आप नहीं देखी अपने सामने टंग टंग रखी जाते नहीं देखने मिल रही है ना, अंदर बछाते हो फिर शायद, मैं लगता वो तरपाल थले भी कुछ पे है। वैसे यार ये गल मैं ना हर ब्लॉग च ही बोल रहा, बहुत औखा नील इन्नी मतलब बर्फ च सरवाइव करना, वह भी पिंड जो अपने शॉल भी बेचने जाते हैं, वह भी बेचारे 100-200 का प्रॉफिट होंगे उन्होंने। हाँ, मसा 100-200 का। तो इतने ना जे गर्मियों आओगे, इतने थोड़ा जिन्हें उपरले पास दरख्त दिखते हैं सारे अखरोट वगैरह दे, तो इन्ना मतलब फल फ्रूट उ गलियों डिगदा मिली जाता थोड़ू, सेब मिली जाते डिगते, पर इन्हों दिन तुम देख लो कुछ भी नहीं होंगे, सारिया गलियां सुकिया लकड़ा ही हैं। आपका गांव बहुत सुंदर है। बिल्कुल सर। गर्मी में भी इतना सुंदर ही दिखता है? गर्मी उतनी नहीं आई। नहीं, गर्मी में सुंदर दिखता है ये? बिल्कुल सर। हैं? बिल्कुल। यहाँ कितना टेम्परेचर कितना हो जाता है? यही लगभग 20-25। नहीं नहीं, माइनस में चल जाता है? माइनस में चलता है। माइनस में कितना होता है? लगभग -6, -5। -6, -5। अभी कितना रहता है? अभी तो थोड़ा गर्मी है। अच्छा, अभी गर्मी है, इसको गर्मी मार रहे हो आप? मेरे पास हाँ
असी घुमाने साडे नाल चल ले हुण बई आपां नूं मिल गया कांगड़ी वाला एक ते उह कहिंदा मैं दिखाउणा तुहानूं पिंड ते इह देखो गलियां पिंड दियां इह घर है बहुत पुराने पुराने घर है ये कितना पुराना होगा भाई साहब घर जी हैं 80 साल पुराना अच्छा 80 साल पुराने घर है हुण कुछ घर नवे भी है वैसे इत्थे वैसे तुहानूं पिंडां दा जिहड़ा आर्किटेक्चर है जां पिंड किहो जिहे आ उह तां पहलां दिखाई होया सारा ते हुण तां सिर्फ ते सिर्फ विंटर लाइफ दिखाउणी आ वो पेड़ पर भी जे जमी हुई है बर्फ है हाँ। पेड़ों पर भी जम जाती है हाँ, जम जाती है सभी जगह जम जाती है सभी जगह हाँ। आपको जैसे इतनी अब बर्फ है आपको ठंडी लगती है इसमें या नहीं लगती आज नहीं लगती फरवरी में तो नहीं लगती पर जनवरी का महीना होता है ज्यादा अच्छा उस टाइम ठंडी लगती है बहुत ठंडी होती है आप जो पूरा बर्फ है इसको हटाओगे जाए अपने आप हट जाएगा जितना ये जमा पिघल जाएगा खुद पिघल जाएगा धूप से हाँ अच्छा आप नहीं हटाओगे नहीं नहीं हटाओ किस मंथ में पिघल जाता है बिल्कुल बस मार्च में स्टार्ट हो जाएगा पूरा पिघलना मार्च में हाँ तो अप्रैल में तो पूरा पिघल जाएगा अप्रैल में तो खत्म हो जाता है अच्छा ये देखो ये कितने कितने फीट हो गए अभी ये गलियों में बर्फ देखो तो सही कितने फीट मुझे लगता है ये यहाँ हाँ 7 फीट तो लगता है इतना है ना यहाँ तो 6-7 फीट अच्छा तो अपने भाई ये काम वाम अभी क्या करते हो आप इन दिनों में बस घर में बैठे हुए ना फिर भी कोई तो काम करते होगे कुछ नहीं कुछ गर, नहीं घर में जो काम करते हैं शाल वगैरह का काम कोई कोई करता है वो तो पंजाब में हमारे भी जाते हैं हाँ, बस वही नहीं वहाँ हाँ, तो फेरी करने जाते हाँ, फेरी वाले जाते यहाँ बनाते हैं अच्छा जहाँ बनाते हो हाँ, और कोई काम नहीं बस बहुत सारे काम है ऐसे ऐसे हाथों वाले काम छोड़े फीमेल वो तो पेपर मशीन होती है पेपर मशीन अच्छा नक्शे हाँ नक्शे डिजाइन करना छोटे छोटे टुकड़ों को डिजाइन ठीक है वो काम भी होता है औरतें तो ज्यादा बुनाई का करती है बुनाई का बहुत करते हैं औरतें अच्छा हाँ और देखो भाई फैरन होता है मतलब किन के लिए ऐसा फैरन औरतों के लिए हाँ उस पे एक किस्म का वो लगाते हैं कढ़ाई कढ़ाई करते हैं ठीक है वो काम हाँ देखो भैया किमें छत अच्छा ऐसी छतें आप जो दूसरी छत नहीं डालते है ना टीन वाली ज्यादा डालते हो पता है क्यों हाँ अंदर जाते हैं ना पानी हाँ ये देखो यार प्राणियां मारता ना इन खड़ी हैं पिंडा च ये वैसे मैं गर्मियों का टाइम भी दिखाया सीगा ये कितना पुराना घर होगा ये 100 साल ये बर्फ से गिरता नहीं है ये इतना नहीं, 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 कहां गिरेगा? जैसे इसके ऊपर इतना बर्फ आ जाता नहीं, नहीं गिरेगा आ देखो जिम्मे ना चादर धरी होंगी है किसी ने चिट्टी आए ते ऐनी ऐनी बर्फ हैगी ते कुछ लोगों के जेडे घर पा लेंगे वो तो फिर ऐ बर्फ जम जाती है जेडे चौरस छत्त वाले होंगे है ना तो जेडे दूसरे होंगे आ मतलब आ टीन वाले मोस्टली थोड़ू मिलने इतने देखने जेडे टीन वाले च तो इन च थोड़ा जा आपदे आप थले आ जाती है बर्फ अच्छा कश्मीर के पिंडा ना मैं एक गल होर बहुत वधिया लगती है तो इतने कंधा नहीं कढ़ते मतलब जिमें आप गुआढ़ी दंध कढ़ लें ना तो इन्हों कंधा खुलिया होंगे वेहड़े खुले होंगे बस कल घर पाए होंगे घर पाने करके तो पिंड खुले खुले लगते हैं तो लोगों इतने सहचार तो मोह प्यार भी वध है इन्ह लोगों अपने लोगों पंजाब हजे घट है है ना तो वैसे जिमें अपने भी पहला जोड़े पंजाब के पुराने पिंड होंगे सके उस मतलब अपने भी इन कंधा कढ़ते सके कली बाड़ की होंगी सी तो इन्होंने भी मोस्टली बाड़ की होंगी कली जिमें छटिया की ज थोड़ी जी बाड़ करके रखते हैं तो बाकी सारा खुला रहिंदा गा ये मैं ऐसे थोड़ा घर का एक का वेहड़ा दिखा दा भी घर का वेहड़ा कहो जहाँ होंगे कश्मीर के का इन्नी बर्फ पई होंगी है तो छत ते भी बर्फ थले भी बर्फ इन्हों बड़ा हैरानी होंगी वैसे भी किमें फोटो फूटो उतारन आए है ना ज फिल्म बनाने आए पिंडा की क्योंकि दूसरे का कल्चर देखना यार हमेशा ही वधिया लगता होंगे है ना वधिया लगता होंगे गा तो ये देखो देखो ये घर च भी सलाम हाँ ठीक 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 हरेक घर च ना माल मवेशी वाला एक पशु वाला कमरा है तो नाल वेहड़े खुले आ ते दिल भी खुले आ कश्मीरी लोगों के यार आजा आजा दिल दे यार इन्ने चंगे है देखो लोग ते दूरों ही आवाज मार देंदे भाई कहंदे दू बाहर ना खड़ो चाह पानी पियो अंदर रहो हाँ जी
ये हटाते नहीं हो आप? ये बिल्कुल भी नहीं हटाते? कौन सा? ये जो गलियों में बर्फ है वो बस पैरों के नीचे आगे नहीं, अपने नहीं, वो पता है, ये नहीं होता ये? हाँ, इसको क्या बोलते हैं आप? बेलचा। हाँ हाँ, इसी बेलचा से हम उठाते हैं। अच्छा, रास्ता बनाने के लिए। अच्छा, रास्ता बनाने के लिए। फिर चलते रहते हैं। ठीक है, फिर ये अपने आप चला जाता है। तो मार्च में कहां, मार्च 3 मार्च के बाद तो पूरा पिघल जाता है। ठीक है, जैसे इसका पानी बन जाता है। ठीक है। हाँ, चाय भाई तो नहीं? भाई नहीं पीना, थैंक यू। आ जाओ, ये कहने किचन दिखाने थानू कश्मीर दी किचन। वैसे तो हमने देखी है पहले कि किचन कैसा होता है कश्मीर का, सर्दी में देखना है बस। अच्छा, जो सामान वगैरह सुखा के रखते हो ना आप, टमाटर वगैरह, कद्दू वगैरह, वो ऊपर रखे हुए हैं। अच्छा, वो ऊपर रखे हुए हैं अभी? ठीक है जी, वो तो अभी स्टोर में है ना। हाँ, वो चेक किया भाई, नीचे खतरनाक। ले भाई, ओ दरवाजा है, ओ दरवाजा खोल दे, न्याणे है अंदर। अच्छा, बेटा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी करते हैं। डर रहा है ये तो। वैसे तो रसोई वगैरह तो अपना देखी हुई सी पुराने, पहले दिखाई हुई है पुराने ब्लॉग्स। नीचे बैठते हो ज्यादा है ना? हाँ, कश्मीर के ट्रेडिशन में नीचे बैठना ही कही है। हाँ, से नीचे बैठे। सोना बेड रेयरली आपको देखने को मिलेगा। हाँ, मैंने देखा बेड तो इधर कोई भी नहीं देखने को मिलता। बहुत कम है, कम है, बहुत बहुत है। चूल्हा है, चूल्हा है, चूल्हा है ये चूल्हा। इसको कश्मीर में दान कहते हैं। क्या बोलते हो? दान, दान, दान। चूल्हे दा भावे श्रीलंका होवे, बंगलादेश होवे, ते भावे कश्मीर होवे, पंजाब होवे, सारे सेम ही होंदे आ। ते चूल्हे इत्थे भी उही सेम ही आ। ते भांडे चणके रखण दा हजे भी इन्हां दे रवाज है। अपने तां इह रवाज, अपने तां इह रवाज कदों दा वग गया? अपने कच्चे घरां च पहलां रवाज हुंदा सीगा इह। हां, चाय चाय पियो। नहीं नहीं चाहिए चाय। इन्होंने मेहमान नवाजी ता देख लो, न्याण ने भी ऐसे सिखा चाय पियो। बोलो बैठो, चाय पियो, बैठो, चाय पियो। बहुत अच्छा यार, ठीक है भाई, शुक्रिया, मेहरबानी है, अच्छा लगे, थैंक यू। यूट्यूब चैनल? हाँ जी, मेरा यूट्यूब चैनल है, हाँ जी, पंजाबी ट्रैवल कपल से है। हाँ जी, ये सामने देखो जी पराली की असं गल करते ना, बे दरख्तों से टंग के रखते हैं पराली, तो वो ये है तो भी ए लमका के रखी दी इन्होंने, जिन्हों को जगह घट होंगी है, जिमें इन को जिमें कोठा है, कई को नहीं होंगी जगह, मतलब ये करूँदे ना, ये दरख्तों पर टंग देंगे, जिमें पिंड जो मर्जी दरख्त होते उपर टंग लमका देते हूँ। जे ये बर्फ पऊगी भी ना तो वह आपे थले आ जूगी, मतलब ये सुकी रहूगी, धुप्प नाल सुक जहा करूगी। ये कम लेंदे तो मझां नूं पाउंदे आ। ये सूखा बालन भी आप जमा करके रखते हो? हाँ, जे बालन है जो बिल्कुल ऐसे रखते हो? पता है नहीं। हाँ, कैसे टांगते हैं इसको? ऊपर रस्सी डाल के फिर ऊपर खींचते हैं। हाँ, पहले नीचे बनाते हैं ऐसे गोल गोल करके इसको पूरा। हाँ, जो इसको बनाते नीचे हो तो बाद में ऊपर, बाद में ऊपर। अच्छा, बाद में ऊपर टांग। हाँ, ये एक ही नहीं है, ये बहुत ज्यादा है, 100 दे लगभग है जेड़ा ऊपर टंगया हुआ है, मतलब ये कला कला बाद चो थले तार दे। ते जिमे झूमर टंगते हुंने ने आपां, मतलब किते भी ला लो झूमर ही हुंदा खुशी है ना, ओ पैलेस च जां घर च किते भी ला लो आपके कैसे सूखते हैं? जैसे ये तो इतनी ठंड रहती है इधर, इनको तो छत पे टंगा देते हैं, ऊपर वाले छत जो है ना वहाँ पे। हाँ, वहीं पे टंगा देते हैं, वो उससे सूख जाते हैं। हाँ, 2-3 दिन लग जाते हैं। जैसे ये टांगे हुए हैं कपड़े, ये कितने दिन में सूख जाएंगे? ये तो सूखेंगे 2-3 दिन के बाद। 3 दिन में? हाँ, एक कपड़ा 3 दिन में सूखता है? हाँ, बिल्कुल। नहाना भी कम ही पड़ता होगा सर्दी में? सर्दी में तो बहुत कम नहाते हैं। अच्छा, गर्म पानी वगैरह कैसे करते हैं? गर्म पानी वो उबाल लेते हैं ना उस चीज पे। अच्छा, आ मैनू लगता है ना इन्हां दी साथी है एक तरह की, जिहड़ी सामने हैगी है, क्योंकि तुसी देखो खुला जा एरिया आ गया, बिल्कुल सत है, सही है ना खुशी? सलाम सलाम बाबा, कैसे हो? ठीक हो? ठंड में बुरा हाल तो नहीं है आपका? नहीं, ठंड नहीं लगता है, हम इसी में पले हैं। बात तो सही है, हमारे लिए बहुत ठंड है जी।
आपके लिए जब आप पंजाब जाओगे धूप बहुत तीखा मिलता लगता होगा आपको है। हमारे लिए धूप भी कुछ नहीं, खुशी आप 40-40 टेम्परेचर च रहने, ये नहीं रह सकते आप। अगर पूरी गर्मी हो 40-45 डिग्री टेम्परेचर आप रह सकोगे उधर? ओ नहीं, हमें गर्म लगेगा 25 डिग्री में नहीं रह सकते। 25 में भी नहीं रह सकते? नहीं, रह सकते हैं लेकिन 30-35 जब होती है बस हम रह जाएंगे। यार देख लो, कुदरत ने सारे नु इको जा नहीं बनाया ना, अलग अलग बनाया, जिवें दा नेचर मिलता है बाई बर्थ बंदा उवें ही रहिंदा है। सर्दियों से जो कूड़ा कबाड़ा होंगे वह बर्फ से सुट देंगे दाल सब्जियां, देखो इत सुट देंगे आपे बर्फ के नाल ही गल गुल जाता गा बिच ही सारा कुछ इतने। ओ सामने ना मैनू एक ट्रैक्टर खड़ा दिख रहा तो बर्फ के बिच जमया होया जमा, देखो इन्हों संद संदेड़े भी बर्फ च जम जाते यार सारे। कश्मीरी लोगों च ना यार आपस च सहचार से प्यार मुहब्बत बहुत ज़्यादा है, तो जदों इन्होंने गलबात करनी होंगी है उदों भी यह कश्मीरी लैंग्एज करते, अपनी लैंग्एज में भी इन्ना प्यार करते, तो अपने आप उ चल पैने हैं हिंदी अपने बाली चलन लग गई जा चलन लग गई अंग्रेजी चे चाय नहीं बस जी बस मेहरबानी। देखो यार घर घर के बंदे चाह न पुछते उन्होंने कैसे हो जी, ठीक हो सलाम। ये ये आपने कितना कपड़ा पहना है? ये तो फैरन होता है, ये बहुत कपड़ा आज है ना सर्दी का मौसम, हाँ इसलिए तो हम कोई कबाड़ शबाड़ कपड़ा लाता है और पहनता है। कि नहीं कितना कपड़ा पहन के रखते हो? दो तीन चार पाँच छह कपड़ा, छह कपड़ा है ये देखो, बनियान दो तीन है, अच्छा इसमें कमीज है, अच्छा इसमें अंडरशर्ट है, हाँ ये फैरन है दो, एक ये है दो, हाँ छह सात पहन के, दो तो फैरन पहन के रखते हो? हाँ दो बनियान, अच्छा दो बनियान हो गया, एक इसमें मतलब कमीज, अच्छा उसके अंदर अंडरशर्ट, अंडरशर्ट चाय ठीक है, फिर ठंड रुकता है? ठंड रुकता है, बुजुर्गों नु थोड़ी गांगरी, गांगरी ये हो। आप जड़ी आ चीज है ना ये थनु हरेक कश्मीरी कोले मिलूगी, ये गोद में होता है इस तरह, तो हमको पता चलता है हाँ हमको गर्मी है अंदर। मैंने सुना एक कहावत है कि कश्मीरी खाने के बिना सार लेगा, कांगड़ी के बिना नहीं। कांगड़ी वजह से हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कांगड़ी तो बड़ा सहारा है हमारा। दिखाना बाहर निकाल के, ये आदत पड़ता है ना ये तो। ले भाई आज तो उन्हें फिर दिखा देने कांगड़ी, इनू कांगड़ी कहते हैं। ये इसके साथ आपने क्या बांधा है? ये लोहे का मतलब जब इसको ऐसे ना मतलब गर्म कर रहा है। अच्छा जी इसको भी जैसे चमचा हो गया, मतलब जब काम होता है ना गर्मी, हाँ फिर इसको मतलब ऐसा करते हैं ना मतलब इस तरह। तो ये पूरा दिन जलती रहती है एक बार डाल? पूरा दिन सब सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, सुबह तक ऐसी चलती है। रात को नहीं, रात को फिर निकाल के, रात को निकाल के फिर तो कंबल भी बहुत ज्यादा लेकर सोते हो गए। बहुत 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 देख लो यार भाई ये हो जी लाइफ है, बहुत हार्ड लाइफ हैगी कश्मीर दी। कमल एक दो तीन होता है, हाँ मटरस मतलब नीचे दो एक दो होता है ना, हाँ अंदर देखो। नहीं नहीं थैंक यू, थैंक यू, फिर आएंगे कभी। कल आएंगे विलेज देखने आए थे बस घूमने का। नहीं नहीं शुक्रिया मेहरबानी। मेहरबानी देखो मेहमान नवाजी है, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे कश्मीरी लोग। बैठो तो मतलब है रहो। हाँ कुछ ना कुछ तो। नहीं 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 शुक्रिया 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 जी। लो जी इधरले पास्यो थानू होर दिखा दिए पिंड, थोड़ा जा ये ट्रैक्टर दे कोले जाना सी आपां, ते मेरे दूरों ना नजर च पै गया ट्रैक्टर। इन्हां दे नैन नक्श भी अपने वर्गे है ना? हाँ अपने ना, असल च खुशी नॉर्थ इंडियन सेम ही है ना सारे। सत श्री अकाल जी, चाहे बस जी बस मेहरबानी जी, चाय पिएगा? ना ना जी शुक्रिया, नहीं शुक्रिया जी, ठीक है ना? हाँ जी सब शुक्र है। ये ट्रैक्टर किस लिए रखा है? मैं बाजर ढूंढते ना गर्मी में। अच्छा, गर्मी में क्या करते हो? बाजर बाजर ढूंढते हैं, अच्छा पत्थर वगैरह, अच्छा फसल फसल के लिए, अच्छा पत्थर बजरी के लिए। मकान पकान बनाने अभी ये कब कब निकालोगे इसको यहाँ से? तो मार्च 15 मार्च से शुरू और ठीक 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 शुक्र शुक्र। नहीं नहीं थैंक यू शुक्रिया मेहरबानी। अच्छा आप ये कश्मीरी लोग कहावा नहीं पीते ज्यादा? कहावा पीते? अच्छा चाय क्या चाय ज्यादा पीते हो? हम भी पंजाब जैसे। हाँ मुझे पता है चाय चाय वैसे वैसे कहावा कश्मीर में ज्यादा पीते है ना। अब तो चाय हो गया, अब तो हो गया चाय चालू। ठीक है और ठीक है ना? ठीक है। कई घर तो ना यार कारा भी ऐ खड़िया रहनी है, कारा भी ज्यादा इन वरतते नहीं है, मतलब ये चला आते हैं तो सर सारी सर्दी ही खड़ा रहता है समान। कारण भी की बेचारे यार बर्फ ही इन्नी ज्यादा पैंती है इतने है ना इन्होंने दिनों च। ये देखो बी पिंड के लोग सारे मुंडे खुंडे सारे कट्ठे हो जाते हैं भी सर्वे सर्वे होना है जो कोई है।
कश्मीर के किसी यूट्यूबर को जानते हो आप? किसी कश्मीर के यूट्यूबर को है? संगदे बहुत आया रखता बर्फी चक्की फिर ये बर्फ से खेलते भी हो है? खेलते हो कैसे? गोला गोले गोले मारने देखा मारना मारना कैसे मारते हो एक दूसरे के? ए चक पट पट मारते यही मैं लगता यार भावें आप पहला टूरिस्ट डेस्टिनेशन सी ना जिन्नी सारिया पहलगाम गुलमर्ग थोनों दिखाता पर जेड़ा असल च किसी चीज नु किसे ने नहीं पूछी हां किसे ने नहीं चाह पूछी सही गल है गुलमर्ग च पहलगाम च किसे ने नहीं चाह पूछी जिन्नी चाह इत्थे पिंड च पूछी है पिंडां दे लोक सारे किते वधिया हुंदी है भावें ओह कश्मीर होवे ते भावें ओह पंजाब होवे मैं गिरल सत श्री अकाल जी बस जी बस मेहरबानी इत्थे बैठो जी चाय पी लो नहीं नहीं शुक्रिया जी नहीं 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 किधर तों आए तुसीं पंजाब तों पंजाब तों श्रीनगर किधर ने असीं श्रीनगर पिंड घूमण आए सी पिंड यही आपका गांव देखने आए थे केशपुरा काम शाम कर रहे थे अभी उठी कितना टाइम रहे पंजाब च अभी रात करीबन 13-14 साल तो 13-14 साल की काम करते रहे काम शाम करते थे रोटियां गुजारा करते थे उठ अच्छा कैसे लगे पंजाब सची बड़ा प्यार करते कश्मीर के लोग पंजाबियों नूं तां खास करके पता नहीं की गल अद्धे लोग ना डरदे ना इलाके च आउंदे नहीं पिंडा च भी कश्मीर पता नहीं किहो जिहा की हो कश्मीर च तुसीं देखो यह रिमोट एरियाज ने बिल्कुल मतलब अंदर इनसाइड हाँ असं पिंड कोई कुछ नहीं किसी तरह का डर नहीं कैसे हो जी बंद करो मुझे तो कल किलो ही समझ आया बाकी कुछ नहीं समझ आया ऐसे समझ आया कि किलो 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 कितने रुपए किलो लगा रखा है चार किलो चार किलो अच्छा ये प्याज है कश्मीरी में बोलता है जे आप गांव में रोज बेचने आते हो अच्छा आए यार पिंडा च इत्थे ना वेचण वाले आउंदे आ अच्छा डेली वैसे तो लोग जमा करके जां सुखा के भी रखते हैं ना लोग राशन अपना दो तीन महीने का तो ये आपसे भी ले लेते हैं आप शहर से लाके बेचते हो पंजाब से आता है अच्छा ए भाई ठीक है साडे वाले आलू आउंदे इत्थे अच्छा जी मेहरबानी हाँ इन्ह सेव जाता एक ट्रैक्टर आ खड़ा लग गया खूंजे ला देंदे ये देखो ये है अर्जुन 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 ट्रैक्टर ऐ लद्दिया पै गया बर्फ नाल कश्मीर के पिंडा च यह हाल हो जाता है तो क्योंकि फिर सही गल भी है कुछ कम भी नहीं है यार हूँ सर्दियों है ना तो साइड पर ला के खड़ा था सड़क वेली करती भी साइड भी मिलती रहे लोगों ट्राली बर्फ नाल भरती तो अं रहू ये जिन्हें भी घर देख लो हर घर च ना तकरीबन जिहड़ा बालण है वह ऐसे तरीके नाल मतलब रखा हुआ इन्होंने सुका के है ना तो क्योंकि हरेक घर नूं आपदा सांभ के रखना पैंदा हैगा तो सर्दियों फिर उवें वरतदे इहनूं इह इह गल दे यार मैं बड़ा हैरान हाँ जिहड़ी आह दरख्तां दे बर्फ चढ़ जांदी है ना तुसीं देखो दरख्तां ते भी किवें जम्मी रहिंदी हैगी ते इह वी नहीं डिगदी हैगी जिथे तक निगाह जांदी यार बर्फ ही बर्फ पई हैगी सारे असीं पिंड च पूरा गेड़ा दित्ता ते आले दुआले है ना ते जिन्ना नज़र मारोगे सारी बर्फ है तुहानू किवें दा लग्गिया इसका ब्लॉग कमेंट करके जरूर अपना दस्यो सो मिलते हैं आपां कश्मीर तो ही नवे ब्लॉग च नवी वीडियो दे नाल हमेशा ही तरह अजे तुहानू बहुत सोहणियां सोहणियां थावां ते बहुत सोहणा सोहणा मतलब चीज़ां तुहानू कश्मीर तो विंटर लाइफ दियां खास करके देखण नू मिलणगियां ते सत श्री अकाल गुड बाय रब राखा।